बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमाईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमारा मौज़ू इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ और दारे ज़ौरा के माना ये हैं कि इना उन मिन फिव्वतिन, चांदी का एक बर्तन एक प्याला। मकसूद ये है कि एक हिस्सा एक खित्ता एक मंतका, जो अगर देखा जाए रवायत के ताबीर में तो इमाम ने उस दारु ज़हरा की जो लफ्ज़ इस्तेमाल दारु ज़ौरा की लफ्ज़ जो इस्तेमाल की है कि वो ज़ौरा एक ऐसा मंतका है कि जहाँ पर फिस्क व फजूर होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्लाह की मासियत होगी। जनाब मुफज़ल इब्ने उमर जो है वो जनाब मुफज़ल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और हाज़िर होने के बाद सवाल करते हैं कि ऐ फ़र्ज़ंदे रसूल, आप ये बताइए कि आखिरी ज़माने में, ज़ुहूर से पहले आखिरी ज़माने में फ़ासिकों के घरों की हालत क्या होगी, दारुल फ़ासिकीन की हालत क्या होगी। तो इमाम फरमाते हैं, एक तवील रवायत है, इमाम अर्ज़ करते हैं कि उस दिन उस वक्त जब फितने और फसाद होंगे तो जो फासिकीन होंगे उनके घरों की हालत ये होगी कि अल्लाह की लानत उनके घरों पर बरसेगी और उनके घर अल्लाह के गज़ब का शिकार होंगे, अल्लाह की नाराज़गी में होंगे, अल्लाह का सख्त होगा। उसके बाद कहते हैं कि खुद सब्ज़ रायात और मशरक़ से जो रायत जो परचम, रायत के मतलब परचम होते हैं, परचम जो बुलंद होंगे उनकी तरफ से इनके लिए वैल है, तमाम वैल है, यानी जिसको कहा जाए बदबख्ती है, शकावत है, और गोया एक इशारा है कि ये इतने शकी हैं, ये इतने बदबख्त हैं, इन पर अज़ाब हो अल्लाह का कि हर तरफ से इनको इनके ऊपर अज़ाब नाजिल होगा। वजह क्या है? कहा दारुज़ौरा जो होगा ये अफराद वो होंगे कि जो अपनी दुनिया में मसरूफ़ होंगे, यानी ये समझेंगे कि यही जो हमारे घर हैं यही दुनिया है, यानी जब तक इंसान ज़िंदगी गुजारेगा वो समझेगा कि दुनिया की जो मकदार है वो सिर्फ यही है जो जहां हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे कस्र जो हैं, हमारे घर जो हैं, ये जन्नत के कस्र जैसे हैं, ये यही असल में जन्नत के घर हैं, वो ये गुमान करेंगे। हमारी बेटियाँ, हमारी औरतें वो हूरुल ईन हैं, यानी इन अफराद के जहन में ये होगा कि हमारी ही बेटियाँ, हमारी ही औरतें वो असल में हूरुल ईन हैं। उसके अलावा ये गुमान करेंगे और यकीन भी रखेंगे कि अल्लाह जो अपने बंदों को रिस्क तकसीम करता है वो रिस्क हमारे ही दरमियान से, यानी हमारे घरों से अल्लाह का रिस्क बंदों तक पहुंचता है। यानी ये इतना ज़्यादा मासियत में मुलव्विस होंगे और ये इतना डूबे होंगे कि तमाम फिस्क व फजूर इनके यहाँ राइज होगा, ज़िना फहाशी तमाम चीज़ें अस्तजीरु बिल्ला आम होंगी और ये उसी में मुतमर्रिद होंगे, शराब नोशी होगी, जुआ खेला जाएगा और झूठी गवाहियों का ज़ोर ज़ोरा होगा, इसी तरीके से हराम माल खाए जाएंगे, गलत तरीक़े से माल को गस्ब करके खाया जाएगा और ये लोग इसी में ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने को सबसे बेहतर कहेंगे। बाज़ रवायत में ताबीर है ज़ौरा से मुराद क्या है, तो बाज़ रवायत की ताबीर ये है कि बल्कि अक्सर रवायत की ताबीर ये है कि ज़ौरा से मुराद वो तहरान है, जो रे का इलाका है, जो जबल असवद के अतराफ में है। रवायत में ताबीर इस्तेमाल हुई तहरान, जो इस वक्त ईरान में है, ईरान का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है। तहरान के सिलसिले में लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुई है बाज़ रवायात में, बल्कि अक्सर रवायत में, और दूसरी रवायात भी हैं उसमें बगदाद का इशारा मिलता है कि ज़ौरा से मुराद बगदाद है। अला ये हाल, बगदाद हो चाहे तहरान हो, दोनों जगह के सिलसिले में ये है कि यहाँ फहाशी आम होगी, यहाँ पर तमाम अल्लाह की मासियत होगी, हत्ता कि अज़ाब इलाही नाजिल होगा, यानी लोग कत्ल गारत में मुब्तला होंगे, एक कौम आएगी कत्ल कर देगी, यानी हत्ता कि कुछ भी बाकी नहीं होगा। जब गुज़रने वाला इस खित्ते से, इस मंतक़े से गुज़रेगा तो वो ये आवाज़ देगा, हा होना कानत इस ज़ौरा, ज़ौरा यही था
जो ये लोग समझते थे कि हमारा घर जन्नत है, हमारी बेटियां हूरुल ईन हैं, आज वो वीरान है, आज वो सहरा है। गोया इशारा ये है कि बाज़ रवायत में ताबीर है कि गुज़िश्ता उम्मतों का अजाब जितना होगा वो सब अजाब इन पर अल्लाह नाजिल करेगा, हत्ता कि जो अजाब नहीं भी नाजिल हुआ है वो भी यानी शदीद अजाब इनके ऊपर आखिरी ज़माने में नाजिल होगा। बाज़ रवायात में तहरान मुराद है, बाज़ रवायत में बगदाद मुराद है, खुद लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है तहरान की। इसी तरीके से इमाम ने जनाब मुफज़ल से ख़िताब किया कि ए मुफज़ल, जो वहाँ बाकी रहेगा आखिरी ज़माने में, जो इनके दरमियान सुकूनत पज़ीर रहेगा, रिहाइश अपनी वहाँ पर बनाएगा, वो अल्लाह की लानत में होगा, वो रहमत इलाही से कोसों दूर होगा, लेकिन जो इस खित्ते से निकल जाएगा, फ़रार कर जाएगा, उसे अल्लाह की रहमत शामिल किए होगी, अल्लाह उससे राज़ी भी होगा। और इमाम ने हुक्म भी दिया कि ए मुफज़ल, जिस तरीक़े से जो है वो जानवर अपने बच्चों के साथ वो पहाड़ की बुलंदी पर जाता है, उसी तरीक़े से, एक ख़ास जानवर की ताबीर इस्तेमाल किया है, उसी तरीक़े से तुम इस मस्कन को छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ या किसी दूसरे खित्ते में चले जाओगे तो अमान में रहोगे, महफूज रहोगे, लेकिन जब तक इस मंतक़े में रहोगे तो अल्लाह के अजाब में भी मुब्तला रहोगे, अल्लाह की नाराज़गी भी शामिल हाल होगी और अजाब खुदावंदी भी होगा। गोया बाज़ रवायत में ताबीर मिलती है कि इनकी औरतें मर्दों से, शौहरों से दस्तबरदार होंगी, ना ज़िवाज के लिए तैयार होंगी, हत्ता कि अगर तजवीज भी करेंगी तो तलाक चाहेंगी, चूँकि मर्द इनके लिए काफ़ी नहीं होंगे, हत्ता कि मर्द मर्द पर इक्तफा करेंगे, औरतें औरतों से अपना काम निकालेंगी, लिहाजा ना औरत बीवी को शौहर की ज़रूरत होगी, वो शौहर को काफ़ी नहीं समझेगी, हत्ता कि शौहर की हलाल की कमाई उसके लिए काफ़ी नहीं होगी, वो उसमें ज़िंदगी बसर करना मुनासिब नहीं समझेगी, और इसी तरीके से ज़ीन पर सवारी करेंगी और वो ख़ुद तमाम उमूर में आगे आगे होंगी। इसी तरीके से बाज़ ताबीरात हैं कि तमाम अल्लाह की मासियत होगी, नाफरमानी होगी, झूठ दुरोगोई होगी और गलत फ़ैसले, ये जो उमरा होंगे, जो हुक्मा होंगे, वो अल्लाह पर बोहतान बांधेंगे, अल्लाह के रसूल पर बोहतान बांधेंगे, हत्ता कि जो हुक्म फ़ैसला करेंगे वो किताब इलाही के बरखिलाफ़, कुरान के बरखिलाफ़ फ़ैसला करेंगे, ये जसारत करेंगे, उनके यहाँ ये आम बात होगी। गोया तमाम अल्लाह की नाफरमानियाँ इस खित्ते में होंगी, इस मंतक़े में होंगी और अल्लाह इसको शदीद अज़ाब से निस्तो नाबूद करेगा, यहाँ तक कि न कसर बचेगा, न घर बचेंगे, न इनकी बेटियाँ बचेंगी, ये एक वीराना होगा, एक सहरा होगा, जब भी गुज़रने वाला वहाँ से गुज़रेगा तो वो ये कहेगा यही ज़ौरा था, यही वो जगह थी जहाँ पर ये लोग बसते थे और अल्लाह की मासियत करते थे। लिहाजा दारुज़ौरा के लिए बहुत सख्त रवायत वारिद हुई हैं कि अल्लाह इसको नाबूद करेगा, लिहाजा मोमिनीन को चाहिए कि इससे दूर रहे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।